चलिए हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज में अब खबरें प्रधानमंत्री मोदी की रैली से जुड़ी। पीएम मोदी की आज भोपाल में रैली, पांच जन आशीर्वाद लगाकर, पांच जन आशीर्वाद यात्राओं के समापन भोर होगी। विशाल जनसभा 3 सितंबर को शुरू हुई थी यात्रा, आज बड़ी रैली के जरिए बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी के भोपाल रैली में जुट सकते हैं 10 लाख लोग। दौरे से पहले पीएम मोदी का ट्वीट, लिखा कार्यकर्ता ही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत, जन आशीर्वाद यात्रा में उनके उत्साह नई ऊर्जा। आज राजस्थान भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जयपुर में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन पर रैली, राजस्थान में बीजेपी ने निकाली थी परिवर्तन संकल्प यात्रा। पीएम मोदी का ट्वीट, राजस्थान के विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध, पार्टी कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन का जो संकल्प लिया उससे राज्य में खुलने वाले हैं विकास के द्वार। जयपुर में बीजेपी नेता अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, सभा की सारी व्यवस्था कर रही है महिलाएं। पीएम मोदी की जनसभा में पूरे प्रदेश से महिलाएं पहुंची। और अब 9 सेकंड न्यूज में खबरें सियासत जगत से जुड़ी हुई, जिसे लेकर आज दिन भर सरगर्मी रहने वाली। राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा, बिलासपुर में कांग्रेस सरकार की दो योजनाओं की करेंगे शुरुआत, परसदा में जनसभा को करेंगे संबोधित। इससे पहले 2 सितंबर को रायपुर में हुई थी राहुल की रैली। हरियाणा के कैथल में INLD की बड़ी रैली, पूर्व डिप्टी पीएम देवीलाल की 110वीं जयंती पर सम्मान दिवस समारोह, अभय चौटाला ने विपक्षी नेताओं को न्योता दिया। INLG रैली के लिए सोनिया, खड़गे और भी अभय चौटाला ने दिया न्योता। कांग्रेस का रैली से दूरी बनाए रखने का फैसला, INLG को इंडिया गठबंधन में लाना चाहते हैं नीतीश। सियासी हलचल के बीच पटना में JDU की बड़ी बैठक, नीतीश ने मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई बैठक, सभी विधानसभा प्रभारी, चुनाव लड़ सके पार्टी नेता भी शामिल। बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक आज, सूत्रों के मुताबिक नियोजित शिक्षकों को मिल सकता है राज्य कर्मचारी का दर्जा। बैठक से ठीक पहले लालू, तेजस्वी से मिले नीतीश। विधायकों की अयोग्यता का मामला, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष आज करेंगे सुनवाई, शिवसेना के उद्धव शिंदे गुट ने एक दूसरे के खिलाफ दायर की याचिका। वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कहा, चुनाव से पहले बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार करती है ऐसा काम। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान, AIMIM ने महिला आरक्षण का किया विरोध, KCR कैसे रख सकते हैं उनसे दोस्ती जो महिलाओं के खिलाफ। श्रीराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रित किए जाएंगे सभी पूजा पद्धति और गुरु परंपरा से जुड़े साधु संत। चंपत राय ने कहा, कई हस्तियों को भी बुलाया जाएगा। MP के खंडवा में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, घर से बाहर निकलकर शुरू करते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की पहल, तुम हमारा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। आज UP के जालौन पहुंचेंगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, करेंगे पंचराखोदम के कार्यक्रम में शिरकत, श्रीराम कथा भी करें। मोहन भागवत के बयान का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने स्वागत किया, बरेली में मुफ्ती शहाबुद्दीन ने कहा, हिंदू मुस्लिम के बीच रिश्ते होंगे अच्छे, देश में आएगी शांति। UP के उन्नाव में BJP नेता साक्षी महाराज ने राहुल गांधी के हिंदू होने पर उठाए सवाल, सोनिया पर भी साधा निशाना, चाणक्य का हवाला देते हुए दिया विवादित बयान। बीजेपी AIADMK के बीच बढ़ती सियासी तनातनी के बीच चेन्नई में पलानी स्वामी ने बुलाई AIADMK की बैठक, सांसद विधायक सहित पार्टी के जिला सचिव भी शामिल। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का विरोध, हैदराबाद से राजमुंद्री जेल तक IT प्रोफेशनल्स का प्रदर्शन, आंध्र प्रदेश पुलिस पर प्रदर्शनकारियों को परेशान करने का आरोप। हरियाणा में कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, पलवल रोहतक में निकाला शांति मार्च, हरियाणा कांग्रेस के नेता साथ में मौजूद। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर नवजोत सिंह सिद्धू का निशाना, कहा कर्ज से नहीं इनकम से चलती है सरकार, मौजूदा सरकार सिर्फ कर्ज पर चल रही है, रेवेन्यू जनरेशन में फेल। UP में SBSP नेताओं प्रकाश राजभर ने आरक्षण का फायदा लेने वाले अधिकारियों मंत्रियों का विरोध किया, कहा जो निचले पायदान पर उनको दिया बाबा साहेब ने रिजर्वेशन। पश्चिम बंगाल में BJP नेता निशिकांत दुबे ने राहुल को पिछड़ा विरोधी बताया, वर्तमान में कहा
आज तक कांग्रेस से कोई भी पिछड़ा आदमी देश का प्रधानमंत्री नहीं बना। कावेरी वाटर शेयरिंग मुद्दे पर कल बुलाया गया बेंगलुरु बंद। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी के शिव कुमार पर लगाया आरोप, कहा तमिलनाडु को पानी देना कर्नाटक के लोगों के साथ नाइंसाफी। कावेरी के पानी को लेकर कर्नाटक तमिलनाडु में प्रदर्शनों का दौर, तमिलनाडु में भी प्रोटेस्ट, तिरुचापल्ली में किसान संगठनों ने किया प्रदर्शन। गैंगरेप मामले पर यूपी के मंत्री राकेश राठौर के बयान पर विवाद, संत कबीर नगर में कहा समाजवादी पार्टी की मानसिकता के ये आरोप हो। आज से दो दिवसीय भारत ड्रोन शक्ति की शुरुआत, हिंजन एयर बेस पर इंजन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया का आयोजन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। हिमाचल का अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा फेस्टिवल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक की, मीटिंग के बाद कहा 24 अक्टूबर से होगा आयोजन, करीब 20 देशों के ग्रुप शामिल होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज से ब्रिटेन दौरा, सीएम के साथ जाएगा प्रतिनिधिमंडल, दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर कई बैठक। और अब खबरें, भिदुड़ी के बयान पर मचे खमासान से जुड़े दानिश अली का दावा, बीजेपी समझा नहीं पा रही है तो कर रही है कंफ्यूज, संसद में वर्बल लिंचिंग की बात, कराना चाहते हैं मेरी हत्या, मेरे मोबाइल पर आ रहे हैं धमकी भरे मैसेज। दानिश अली का बयान, बीजेपी नेताओं ने कहा मैंने भिदुड़ी जी को भड़काया लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वे पीएम की तुलना जानवर से कर रहे थे, भिदुड़ी जी को रोका यही मेरी गलती। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण चरण सिंह ने यूपी के बाराबंकी में कहा दूसरे पर कार्रवाई से पहले बीएसपी सांसद दानिश अली को खुद भी अपने गिरिबान में झांक कर देखना चाहिए। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के आरोप पर दानिश अली ने कहा हमने देखा उन पर महिला रेसलर्स को परेशान करने का आरोप, कोर्ट ने भी लिया मामले का संज्ञान। दानिश अली का बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई की मांग, कहा मेरे ऊपर लगाए गए आरोप साबित करें नहीं तो उनके खिलाफ होगी कार्रवाई। इंडिया गठबंधन का पोस्टर बॉय होने के सवाल पर एबीपी न्यूज से बोले दानिश अली, हर उस व्यक्ति का धन्यवाद जो इस वक्त देश का लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा। भिदुड़ी मामले पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति, अधीर रंजन चौधरी ने की विशेष अधिकार समिति के पास मामला भेजने और भिदुड़ी को तुरंत निलंबित करने की मांग। बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी के विवादित बयान पर लालू यादव की प्रतिक्रिया, कहा राजनीति में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल गलत बात, बयान देने वाले के खिलाफ कार्रवाई। सीपीएम नेता वृंदा करात ने की दानिश अली से मुलाकात, कहा हर शख्स आहत है, राजनाथ ने आधे मन से मांगी माफी, भिदुड़ी को डिफेंस कर रहे बीजेपी नेता, साफ दिख रहा है आखिर हो क्या रहा है। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव की भी लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी, कहा दानिश ने पीएम मोदी पर टिप्पणी कर भिदुड़ी को उकसाया, पूरे मामले की गहन जांच। बीजेपी सांसद रवि किशन की दानिश पर कार्रवाई की मांग, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा पता था भिदुड़ी के बचाव करेंगे सभी बीजेपी नेता क्योंकि शाखा में यही सिखाया जाता है। प्रयागराज में बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, दानिश पर न केवल टिप्पणी की गई बल्कि सदन में दूसरे सदस्य ठहाके लगाते रहे, निंदा तो सभी कर रहे लेकिन सरकार के एक्शन पर नजर। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की मांग, संसदीय परंपरा का घोर अपमान करने वाले रमेश भिदुड़ी के खिलाफ केस हो दर्ज, ऐसा संसद और पार्टी दोनों से हो निलंबन। भिदुड़ी मामले पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने राहुल पर साधा निशाना, कार्रवाई के सवाल पर बोले मुझे मामले की पूरी जानकारी नहीं, पार्टी ने नोटिस जारी किया और कार्रवाई करी। नौ सेकंड में अब आपको दिखाते हैं भारत और कनाडा के बीच तलखी से जुड़ी हुई खबर। खालिस्तानी आतंकियों को समर्थन देने वाले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का विरोध, दिल्ली में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का प्रदर्शन, कहा कनाडा दे रहा भारत विरोधियों को शरण और संरक्षण। भारत कनाडा विवाद को लेकर कनाडा के रक्षा मंत्री ने किया दावा, बिल ब्लेयर ने एक न्यूज एजेंसी को दिया इंटरव्यू में कहा हमारे पास भरोसेमंद सबूत। न्यूयॉर्क में कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ एस जयशंकर का द्विपक्षीय बैठक, आर्मेनिया बोस्निया हर्जेगोविना के विदेश मंत्रियों के साथ मीटिंग, मेक्सिको के विदेश सचिव से मुलाकात। और अब 9 सेकंड में अब आपको दिखाते हैं खबरें कोर्ट के फैसले से जुड़ी हुई जिस पर आज पूरे देश को नजर है।
अफजाल अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। अफजाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, दोष यूपी सरकार को भी देना होगा नोटिस का जवाब। यूपी के मुजफ्फरनगर में छात्र को थप्पड़ मारने का मामला, मामले पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। एसपी से मांगा अब तक की जांच का ब्यौरा। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मिली जमानत की अवधि आज हो रही पूरी, सुप्रीम कोर्ट करेगा अवधि को आगे बढ़ाने पर विचार। 9 सेकंड में अब आपको दिखाते हैं राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी से जुड़ी खबरें। एक दूजे के हुए राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा, सिटी ऑफ लेक उदयपुर में धूमधाम से दोनों ने शादी रचाई, दोनों ने लीला पैलेस में सात फेरे। बोट में सवार होकर बारात लेकर पहुंचे राघव चड्ढा, पानी के बीच लाइन से आती दिखी सजी धजी हुई। शादी में शामिल हुए फिल्म जगत से लेकर राजनीति के कई दिग्गज, नए जोड़े को आशीर्वाद दिए। राघव परिणीति की शादी में सजी संगीत की महफिल, कलाकारों ने अपने गानों से किया मेहमानों का मनोरंजन। और अब 9 सेकंड न्यूज में बात आफत की बारिश की, जिसे लेकर आज भी अलर्ट जारी। देश के कई राज्यों में आज भी बारिश का अनुमान, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, अंडमान, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। गुजरात के सुरेंद्रनगर में वस्तड़ी और चुड़ा गांव के को जोड़ने वाला पुल टूटा, हादसे के समय पुल से गुजर रहे थे लोग, डंपर और दो बाइक पुल से गिरे। नदी में गिरे डंपर को क्रेन की मदद से निकाला गया बाहर, डंपर को बाहर निकालने के लिए करनी पड़ी काफी मशक्कत। 9 सेकंड न्यूज में बात अपराध से जुड़ी हुई कुछ खबर। कानपुर में बीजेपी पार्षद के पति की दबंग गई कार में टक्कर लगने पर व्यापारी को बीच सड़क पर गिराकर पीटा, व्यापारी के सिर और आंख पर लगी आई चोट। नूह के हिंसा प्रभावित इलाके में पहुंची जांच कमेटी, समिति के लोगों ने घटनास्थल का दौरा किया, डीएम से घटना के बारे में जानकारी। महाराष्ट्र के ठाणे में एटीएस की कार्रवाई, फर्जी राशन कार्ड बनाने वाले गिरोह का खुलासा, बांग्लादेश के नागरिकों को बनाकर देते थे भारतीय दस्तक। जम्मू कश्मीर में मिली सुरक्षा बलों को कामयाबी, दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 5 हाइब्रिड आतंकवादी गिरफ्तार। बिहार के बक्सर में पकड़ी गई अवैध शराब, करीब 25 लाख रुपए कीमत की अंग्रेजी शराब जब्त, नया गंगा ब्रिज बॉर्डर पर पकड़ा गया कंटेनर। यूपी के उन्नाव में भूमाफिया नसीम पर कार्रवाई, 1 अरब से ज्यादा की संपत्ति कुर्क सरकारी जमीन पर कब्जा कर प्लॉटिंग किया करते। झारखंड के लातेहार में जम्मू तवी एक्सप्रेस में लूट, विरोध करने पर बदमाशों ने की गई राउंड फायरिंग, स्लीपर बोगी S9 में हुई लूट। फतेहपुर प्रेम प्रसंग को लेकर लड़की के भाइयों ने युवक की हत्या, कुल्हाड़ी से काटकर उतारा मौत के घाट, छानबीन में जुटी है पुलिस। बिहार के नवादा में बढ़ रहे साइबर क्राइम के मामले, श्रम कार्ड, आधार कार्ड, जमीन रजिस्ट्री के नाम पर फर्जीवाड़ा, SMS ने शुरू की है आरोपियों के खिलाफ मुहिम। पटना में महिला ने दबंगों पर लगाया पिटाई का आरोप, ब्याज के पैसे ना लौटाने पर महिला के साथ बदसलूकी। और अब 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग राज्यों में होने वाले हलचल। कोलकाता में इलेक्ट्रिक शॉप में भीषण आग लग गई, फैब्रिकेट की 15 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया, आग की वजह से लाखों का नुकसान हुआ। गुजरात में तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही बस हादसे का शिकार हुई 46 श्रद्धालु घायल, मंदिर दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु। गुजरात के राजकोट में हादसा, गणपति पंडाल के पास स्लैब गिरने से 10 लोग घायल हुए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में प्राइवेट बस हादसे का शिकार, अनियंत्रित होकर पलची बस, हादसे में 22 यात्री हुए घायल। बिहार के मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत, 2 लोगों की आंखों की रोशनी गई, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। राजस्थान के दौसा में बस ने मारी ऑटो को टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत, महुआ से इंदौर जा रही थी बस। अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर अखिलेश यादव का पोस्ट, लिखा अन्याय के विरोध में SP सत्संगियों के साथ खड़ी, जनता नहीं सहेगी बीजेपी का धर्म विरोधी बुलडोजर।
यूपी के उन्नाव में कुत्तों का आतंक, सड़क पर जा रहे बच्चों पर किया हमला, कुत्ते के हमले से घायल हुआ बच्चा, अस्पताल में इलाज जारी। नालंदा में सास बहू ने एक साथ बैठकर परीक्षा दी, 55 साल बाद पकड़ी कलम, मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना के तहत रविवार को महापरीक्षा। केंद्रीय मंत्री हरदीप एस पुरी आज दिखाएंगे पहली हरित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी, हरित गतिशीलता की दिशा में बढ़ाकर। पहली बार दिए गए विधि रत्न पुरस्कार दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मानित किया, सतीश के परासरन, फली नरीमन और पूर्व अटर्नी स्वर्गीय सोली सोराबजी को सम्मान। और 9 सेकंड में न्यूज में बात करेंगे खबरें खेल से जुड़ी। एशियन गेम्स में भारत ने जीता पहला गोल्ड मेडल, 10 मीटर एयर राइफल्स की टीम ने जीता गोल्ड मेडल, रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्या तोमर और दिव्यांश पवार की टीम को मिली सफलता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ग्रेटर नोएडा में मोटो जीपी के आयोजन पर जताई खुशी, कहा मोटो जीपी दुनिया के सबसे प्रतिस्पर्धी खेलों में से एक। ग्रेटर नोएडा में मोटो जीपी इंडिया ग्रैंड प्रिक्स, पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने कहा दूसरे खेलों को बढ़ावा देना अच्छा है, उम्मीद है अगले साल और ज्यादा आएंगे। भारत ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को दूसरे मैच में शिकस्त दी, 3 मैचों के सीरीज में भारत ने लगातार जीते 2 मैच, दूसरा मुकाबला जीतकर नाम की सीरीज। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ा किया रनों का पहाड़, ऑस्ट्रेलिया को मिला था 400 रनों का लक्ष्य, 217 रन पर ही सिमट गई ऑस्ट्रेलिया की टीम। मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने किया शानदार प्रदर्शन, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने लगाई सेंचुरी, केएल राहुल और सूर्यकुमार हाफ सेंचुरी लगाई। और अब 9 सेकंड में आपको दिखाते हैं खबरें चंद्रयान 3 और स्पेस मिशन से जुड़ी। चंद्रयान से अभी तक नहीं हो पाया इसरो का संपर्क, लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क करने की कोशिश लगातार जारी, इसरो को उम्मीद जल्द नींद से जागेंगे लैंडर और रोवर। अंतरिक्ष की दुनिया में नासा ने रचा इतिहास, नासा का कैप्सूल ओसिरिस रेक्स शुद्ध ग्रह बेनू के सैंपल लेकर धरती पर लौटा। अमेरिका के यूटा रेगिस्तान में हुई ओसिरिस रेक्स की सॉफ्ट लैंडिंग, नासा ने कहा कि कैप्सूल सही हालात में है, नुकीले हिस्से की तरफ से लैंडिंग। धरती के वायुमंडल में एंट्री करते समय कैप्सूल की स्पीड थी काफी ज्यादा, बंदूक की गोली से 15 गुना ज्यादा तेज थी कैप्सूल की रफ्तार। नासा ने 7 साल पहले लॉन्च किया था मिशन, 4.6 बिलियन वर्ष पुराने बताए जा रहे शुद्ध ग्रह के टुकड़े, जीवन की शुरुआत के बारे में मिल सकती है अहम जानकारी। 250 ग्राम धूल मिट्टी और पत्थर के टुकड़े लेकर धरती पर लौटा कैप्सूल, इन टुकड़ों को दूसरे कई देशों को भी शोध के लिए दिया जाए। शुद्ध ग्रह और मंडल में बनी सबसे पुरानी सामग्रियों में शामिल शुद्ध ग्रह के नमूनों की जांच से धरती के निर्माण के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। स्पेसक्राफ्ट ने धरती से 1,00,000 किलोमीटर ऊपर किया कैप्सूल को रिलीज, 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे थी कैप्सूल की रफ्तार, पैराशूट के जरिए हुई सॉफ्ट लैंडिंग। कैप्सूल के लैंड होने के बाद लैंडिंग साइट पर पहुंची थी, हेलीकॉप्टर के जरिए कैप्सूल को नासा के सेंटर तक पहुंचाया गया। क्लीन रूम में सैंपल को बेहद सावधानी के साथ किया गया कलेक्ट, नासा की टीम सैंपल को उठाकर रिसर्च रूम के अंदर ले गई। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, सीधा एक बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा में पुलिस और सत्संगियों में झड़प पर यह बड़ी खबर बता रही है, एडीएम की निगरानी लगातार बनी हुई है, कमेटी बनाई गई है, सत्संगियों को 7 दिन की मोहलत दी गई है, बड़ी अपडेट आपको बता रही है। आगरा में पुलिस और सत्संगियों के बीच ये झड़प की बड़ी खबर आपको बता रही है और एडीएम की निगरानी में कमेटी बनाई गई है, साथ ही आपको बता दें कि सत्संगियों को 7 दिन की मोहलत दी गई है, तो ये बड़ा बवाल और ये बीच में टकराव हुआ है। तो आगरा में पुलिस और सत्संगियों की जो झड़प हुई थी उस पर एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं, एडीएम की निगरानी में अब एक कमेटी बनाई गई, सत्संगियों को यहां पर 7 दिन की मोहलत दी गई है, इस कमेटी द्वारा इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जाएगी। देखिए तस्वीरें उस दिन की जिस दिन ये पूरी झड़प देखने को मिली थी और अब इसी झड़प की जांच के लिए यहां पर कमेटी बनाई गई है जो कि एडीएम की निगरानी में पूरे इस मामले की जांच पड़ताल करेगी। साथ ही आपको बताएं कि सत्संगियों को यहां पर 7 दिन की मोहलत भी दी गई है,
तो ये पूरी कमेटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी और गहनता से जानने की कोशिश करेगी कि आखिर इस झड़प के पीछे क्या वजह रही। देखिए तस्वीरें उस दिन झड़प की जब ये पूरी झड़प हुई थी, सत्संगियों की यहाँ पर झड़प हुई थी। देखिए पुलिस प्रशासन ने बर्बरता कर पर यहाँ पर मानवता को तार तार किया था, ये यहाँ पर इल्जाम लगाए गए। लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। एडीएम की निगरानी में कमेटी बनाई गई है जो कि इस पूरे मामले की जांच करेगी। 7 दिन की मोहलत यहां पर सत्संगियों को भी दी गई है। तो आगरा में ये बवाल देखने को मिला था, देखिए तस्वीरें उस दिन की। सत्संगियों के पथराव पर पुलिस ने ये लाठी चार्ज किया था और देखिए बवाल कितना ज्यादा बढ़ गया था कि यहाँ पर पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ गया था। और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी और उसी को लेकर एडीएम की निगरानी में कमेटी बनाई गई है। और आपको बताएं कि ये कमेटी इस पूरे मामले की गहनता से अब जांच करने वाली है। एक एक साक्ष्य को यहां पर सामने रखा जाएगा, एक एक इंसान जो कि उस वक्त वहां पर मौजूद था उससे इस पूरे मामले की जानकारी ली जाएगी। 7 दिन की मोहलत यहाँ पर सभी सत्संगियों को भी दी गई है। तो वैध कब्जे पर कार्रवाई पर यह बवाल हुआ था। देखिए तस्वीरें, हम बवाल के दौरान जो तस्वीरें थी वो आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब इस बवाल पर एक जांच पड़ताल के लिए कमेटी बनाई गई है जो कि एडीएम की निगरानी में इस पूरे मामले को लेकर पड़ताल करने वाली। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना ताकि आप रहे आगे, इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात, देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर।